Very good morning, students. Today we are going to discuss about polar and the non-polar molecules, which are useful for the incoming articles. ठीक है? तो polar molecules क्या होते हैं? Those molecules whose center of mass do not coincide each other. ठीक है? ऐसे molecules जिनका center of mass जो है, do not coincide. एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करता है. इसी तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन आल्सो टेक द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, HCl, H2O. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स. होता क्या है इस केस में, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाली होता है. जैसे हम H2O केस से लेते हैं, अगर हम दैट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज द हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है. ठीक है, मेक द आयनिक बॉन्ड. यहाँ पे सॉरी माइनस ऑफ टू पार्शियल डेल्टा चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. फिर अब तो दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म द पोलर मॉलिक्यूल एंड इट विल कंस्टिट्यूट सम काइंड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट. एक तरह का डाइपोल मूवमेंट ये कंस्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, इट हैज द सम डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट को हम सिंपल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं होता है. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं वो इक्वली नहीं शेयर कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है. तो इनकी वजह से क्या होता है, एटम्स की शेप जो होती है, ये मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है, कुछ इस तरीके से हो जाती है. इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड एक तरफ चला जाता है. ठीक है, तो दे आर सेपरेटेड बाय अ सेलेक्टेड डिस्टेंस. इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. ठीक है, वेयर आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसका सेंटर ऑफ मास जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सर्कुलर. ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे सम ऑफ द एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज O2, Cl2, H2. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों ऐसे बोला जाता है, क्योंकि इनके सेंटर ऑफ मास जो है दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं. कोइंसाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो दे विल फॉर्म अ सम काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे. क्यों? क्योंकि भाई दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है. ना तो ये ज्यादा है, ना तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा. तो दोनों के दोनों इक्वली ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. जब दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो दोनों के ऊपर सेम ही चार्जेस रहेंगे, मतलब सेम अमाउंट रहेगा दोनों के ऊपर चार्जेस का. ठीक है, तो देयर मॉलिक्यूल शेप्स लाइक बी दिस, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ कोइंसाइड करेंगे. ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो गहरे बात है. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से. और वहां में क्या हुआ, भाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया सारा का सारा. ठीक है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड करेगा दोस्तों के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी तो सेम ही है, सेम टेंडेंसी होने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ ही कोइंसाइड करेगा. तो देयर शेप विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर हम इस वर्ड को जरा ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक का मतलब कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस है. ठीक है, डायपोल यानी कि दो पोल है उस इलेक्ट्रिकल चार्जेस की. ठीक है, इट बी कंसीडर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. देखो यहाँ पे सॉरी नॉन पोलर नहीं, पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है एंड एक पॉजिटिव चार्ज है. When these polar molecules are separated by a certain distance, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो distance हम calculate करते हैं, that will be equivalent to the 2L की equivalent मिल जाती है. ठीक है, किसके बराबर मिल जाती है, जब charges आपके एक certain distance से separate हो जाते हैं. मान लो कोई molecules है, एक consider कर लेते हैं, ये dipole बनता कैसे है, देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास एक molecules है, whose center of mass
तो हम लोगों को पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। तो यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पोर्शन, तो इसका पोर्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दिस मॉलिक्यूल्स विल बी सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, दे विल फॉर्म द पोलर मॉलिक्यूल, एक नए तरह का पोलर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। और जैसे पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दे विल कंस्टिट्यूट द सम डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, क्लियर बात है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो इसकी फोर्स का अमाउंट मैंने थोड़ा कम रखा था न्यूटन कूलम, ठीक है, न्यूटन कूलम इनवर्स का, इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैं यहाँ पे सप्लाई करवा रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसकी सेपरेशन थोड़ी और बढ़ जाएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वे फॉर्म करवाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट मैंने ये किया ज्यादा कर दिया हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे भाई, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कम रखा था तो डायपोल मूवमेंट कम था इसका, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर ली तो इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि भाई इन दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है। अब ये जो सेपरेशन है, इसी सेपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टू वेल्थ, किसके बीच का, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच की जो सेपरेशन आती है, ठीक है, इसी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टू एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। इसी तरह से हमारे पास इसी के साथ आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट, इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेगा मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विल कम्स आउट टू बी पी वेक्टर दैट कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से एक चार्ज ले लेते हैं, दोनों का अमाउंट एक क्यूब है और एक दूसरा माइनस क्यूब है, तो यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं, क्यूब से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, दोनों के बीच की सेपरेशन जो हम लेते हैं दैट विल बी टेकन एज द 2L। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हैविंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इनटू 2L। क्लियर होगी बात ये, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाती है, अगर ऐसा यूनिट विल कम फ्रॉम टू बी कूलम, तो ये बनेगा न्यूटन कूलम मीटर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, हैविंग द फॉर्मूला ऑफ द P इज इक्वल टू Q इनटू 2L। समझे बात ये, थैंक यू।